मिनिस्टर के सीढ़िया मुंबई में जाको पलंगा फोड़ो सो सीढ़िया का स्टे लिए मुंबई में जाको पलंगा फोड़ो सो सीढ़िया का स्टे लिए। देखिए बदकिस्मती यही है, इसे जो है गवर्नमेंट जिस तरीके से हैंडल कर रहा था करी नहीं, क्योंकि एक म्यूनिसिपल काउंसलर की बेटी है वो, उन्हीं की पार्टी का काउंसलर है। हकीकत क्या है इंक्वायरी से मालूम होता हो, लेकिन इसे बीजेपी ने इलेक्शन के वास्ते इसे इस्तेमाल कर ली। फॉरन इलेक्शन कमीशन को डाल के कोर्ट को डाल के स्टे लेना था, इन्हें कोर्ट को डाल के मिनिस्टर के सीढ़िया मुंबई में जाको पलंगा फोड़ो सो सीढ़िया का स्टे लिए इन्हों बीजेपी वाले, तुम्हें स्टे नहीं ले सकते थे। जब भी कोई मुस्लिम लड़की के ऊपर ऐसा होता है, कौन भी मुस्लिम लीडर्स बात नहीं करते, जब गैर कौम लड़की के ऊपर ऐसा होता है तो हर एकजुट होके हर जगह प्रोटेस्ट चलते हैं, हर जगह एक्शन में आ जाते हैं, ऐसे क्यों होता है सर? वही तो है ना, मुसलमान कौम अब तक अपने एक लीडर भी नहीं चुन सकी, 70 पे 3 साल में हिंदुस्तान में एक लीडर नहीं है, या तो वीपी सिंह बने या तो भोगोना बने या तो इंदिरा गांधी बनी, जय जीवन राम बने, कोई नहीं बन सके। सर सीएम इब्राहिम साहब हर बार हर इशू पे मुस्लिम इशू पे आवाज उठाते थे, मगर इस बार जब मैसूर की घटना चली तो सीएम इब्राहिम ने आज तक कुछ नहीं बोला सर। मैं उस वक्त था नहीं यहाँ पे, मैं घर मुल्क के बाहर था, कल ही आया हूँ मैं। देखिये जब भी मंडिया में लड़की का मसला था सब लोग डर रहे थे, उसके घर को गया मैं, उसे हिम्मत अफजाई दिया। अब वो मोदी कौन भी उसके खिलाफ बोलने तैयार नहीं, आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया उसी वास्ते कि मोदी जी आप जो बोल रहे हैं गलत है बोल के, कांग्रेस की नहीं बोल रही है, कुछ हिम्मत इसने बोलने की बोल सकते ना। मुसलमाना का नाम लेने डर रहे कांग्रेस वाले, हम ना हिंदू वोट चले आती, कांग्रेस को यही बोलता हूं भाई जो वोट तुम आना है वही चाहिएगा, तुम्हें सॉफ्ट हिंदुत्व बड़ा हिंदुत्व ये क्या करे तो तुमने जो वोट जो है वो नहीं आने का आताश नहीं आपको।